होगा। तो नाइन्थ क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और आगे सभी चैप्टर्स आपको मिलेंगे, साइंस के भी, मैथ्स के भी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम से मिल सके। मेंटी क्विज भी साथ में ही आपको इनके मिलने वाली हैं, क्वेश्चन सीरीज भी आपको मिलने वाले हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम जो पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। बेसिकली पिछली क्लासेस में आपने नंबर्स पढ़े, तो आप पहले तो काउंटिंग नंबर्स के बारे में ही जानते हैं, जैसे 1, 2, 3 ये नंबर्स हैं, ठीक। तो वो सारे के सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। तो ये हो गया नेचुरल नंबर, ठीक। और अगर इस नेचुरल नंबर में 0 और शामिल कर दिया जाए, तो ये बन जाता है फिर होल नंबर। जैसे 1, 2, 3 ये तो नंबर्स थे ही, इसके साथ मैंने 0 को और शामिल कर दिया, तो अब ये कहलाएगा होल नंबर, और इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। 0 के साथ नेचुरल नंबर सारे के सारे मिल करके होल नंबर कहलाते हैं, ठीक। ऐसे ही ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सभी हैं पॉजिटिव नंबर्स। और नंबर लाइन आपने पढ़ी थी, सेंटर में लाई करता है 0, और इधर राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट हैंड में सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स। इफ़ वी इंक्लूड 0, देन दीज विल बी होल नंबर। और जैसे यहाँ प्लस यानी कि पॉजिटिव नंबर्स की दुनिया है, बिल्कुल उसी तरह 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स की दुनिया भी है। यह आपने क्लास 5th-6th में पढ़ी होंगी इंटीजर्स के बारे में। तो पॉजिटिव नंबर्स 0 और नेगेटिव नंबर्स, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म इंटीजर्स। इनको हम इंटीजर्स कहते हैं, कैपिटल Z से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स क्या है? इट इज़ बेसिकली सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या हैं? ये सेट है सभी पॉजिटिव नंबर का, 0 का और नेगेटिव नंबर का। तो ये बेसिक जो नंबर्स हैं, यहाँ तक आपने पढ़ रखा है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, इसके जस्ट बाद ही हैं, दैट आर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर रियल नंबर। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आई एम जस्ट रब इट डाउन। नेक्स्ट इज व्हाट आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर को बेसिकली हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेशनल नंबर क्या होता है? वो कोई भी नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये P/Q आपने इसको लिखा, लेकिन याद रखने के लिए चीज़ क्या है कि ये जो रेशनल नंबर है, ये इस तरह से है कि P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही P और Q ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर, ये Q डिनोमिनेटर है, ये P न्यूमरेटर है, तो P और Q दोनों कैसे हैं? ये इंटीजर्स होना चाहिए। तो ये शॉर्ट में हमने एक डेफिनेशन इसकी देख ली।
तो रेशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाता है। याद रखने वाली क्या बात है इसमें कि वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/5, फॉर एग्ज़ाम्पल 5/6, फॉर एग्ज़ाम्पल -3/2, ये सभी क्या हैं? रेशनल नंबर है। देखो 2 और 5 इंटीजर्स हैं, 5 और 6 इंटीजर्स हैं, -3 और 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है। और वो नंबर्स जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो क्या कहलाते हैं? वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे इरेशनल नंबर, ठीक। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, दोज नंबर दैट कैन नॉट बी, दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल √3 लिखा मैंने, ठीक है। तो आप कहोगे सर रेशनल नंबर तो ये बन सकता था ना, या 1 लगा देंगे, बन सकता है, पी बाई क्यू हो गया, ठीक है। लेकिन ये √3 जो है ये इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म हो, क्यू ज़ीरो ना हो, ज़ीरो नहीं है क्यू, ठीक है, लेकिन पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। √3 इज़ नॉट एन इंटीजर, इसीलिए ये नंबर जो है ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक। यहाँ तक चीज़ें हमने पढ़ ली। एग्ज़ाम्पल इनके बहुत सारे हैं, पाई है, √2 है, एक्सेट्रा बहुत सारे आप लिख सकते हो। यानी कि रूट के अंदर सारे प्राइम नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर ही हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम हटा रहे हैं और अब तक की जो कहानी है उसको आपको बता रहे हैं इन शॉर्ट। तो देखिए, नंबर सिस्टम में परिवार के जो मुखिया हैं, हेड ऑफ द फैमिली, वो हैं रियल नंबर। ये साहब हैं हेड ऑफ़ द फैमिली, ठीक है। और इन हेड ऑफ़ द फैमिली को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक डिवाइड किया विदाउट डेसिमल वाले, सारे इधर आ जाएं, और एक हमने डिवाइड किया कि विद डेसिमल वाले जितने भी हैं वो इधर आ जाएं, विद डेसिमल वाले जितने भी हैं वो इधर आ जाएं। विदाउट डेसिमल में हमने देखा पॉजिटिव नंबर जैसे 1, 2, 3, एक ज़ीरो है और एक है ये नेगेटिव नंबर्स जैसे -1, -2, -3, ठीक। तो पॉजिटिव नंबर्स का ये सेट क्या कहलाता था? नेचुरल नंबर्स। और अगर ज़ीरो शामिल कर दो तो ये क्या कहलाता था? होल नंबर्स। और अगर नेगेटिव नंबर भी शामिल कर दो तो ये क्या कहलाता था? इंटीजर्स। ये चीज़ें तो हमने पढ़ी थी। अच्छा, विद डेसिमल, डेसिमल के बारे में आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो हम बता देते हैं कि डेसिमल को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसके फर्दर दो टाइप हैं, एक है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग भी बोल देते हैं इसको, रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग हो गया, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो वो डेसिमल यानी कि वो नंबर जिसमें डेसिमल प्लेसेस हैं और वो डेसिमल प्लेसेस एक टाइम बाद एंड हो जाएं, दैट कम्स टू एन एंड, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 0.25 ये लिखा मैंने, तो ये सिर्फ 25 तक ही नंबर है, इसके आगे कुछ है नहीं, यहीं एंड हो गया ये, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने 1/2 ये जो फ्रैक्शन था या रेशनल नंबर था इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये आया 0.5,
तो उसे डिवाइड करोगे ना आप इसको वन को, जाएगा नहीं। अब डेसिमल लगाओगे, फिर यहाँ ज़ीरो लगाओगे, फाइव ज़ा टेन, रिमाइंडर क्या आया, ज़ीरो। तो ये देखो फाइव टाइम्स आने के बाद यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो एंड हो गए। तो डेसिमल प्लेसेस जब एंड हो जाते हैं यानी कि टर्मिनेट हो जाते हैं, तो इस तरह के डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक, रिपीटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग वो हैं जो एंड ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 0.33333, ये चलता जा रहा है, तो ये डेसिमल कैसा है, ये वो डेसिमल है जो एंड ही नहीं हो रहा। ठीक, जो एंड नहीं हो रहा है उसमें भी दो कैटेगरी हैं, रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग क्या होता है, तो रिपीटिंग वो होते हैं जिनमें नंबर्स या ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हों बार बार। फॉर एग्जांपल 0.333, तो यहाँ देखिए ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। या मैं यहाँ लिखूँ 0.252525, यहाँ 25 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जब डेसिमल प्लेसेस एंड ना हो, और उसमें भी रिपीटिंग का मतलब है कि कोई एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट कर रहा हो। ठीक है, नॉन रिपीटिंग क्या है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ 0.10111100110110100100 एंड सो ऑन चलता ही जा रहा है। तो ना तो इसमें कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स, ये कोई सेट ऐसा नहीं है जो रेगुलरली रिपीट हो रहा हो। तो इस तरह के जो डेसिमल होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब जो रेशनल नंबर होते हैं उसकी कैटेगरी में दोनों आते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या और रिपीटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये कहलाते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर फिर क्या है सर, ये जो सारी चीज़ें आपने बता दी ये हमारी समझ में आ गई हैं, रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर है वो कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर, वो कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो। ठीक है, एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर, और एक तरह से आप देखो ना तो ये रियल नंबर जो है इसके अंडर में रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर मैं करूं तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो 2 कैसा है, रियल नंबर है। मान लीजिए √3 लिखा मैंने, इसका स्क्वायर करूंगा 3 आया, और कोई डेसिमल एक्सप्रेशन भी आप ले सकते हो। ठीक है, और भी कोई डेसिमल एक्सप्रेशन आप ले सकते हैं, सपोज़ 0.4 ले लिया हमने तो क्या आएगा, 0.16 आएगा, ये भी पॉजिटिव नंबर ही हुआ, नॉन नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा, यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका हम स्क्वायर करें तो यह नेगेटिव आ जाए। अगर नेगेटिव आया तो वो रियल नंबर की फैमिली से ही बाहर हो जाएगा, एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आप 11th में पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट में हमने देख लिया कि रियल नंबर क्या है। अब क्वेश्चंस जो इससे बनते हैं उसके लिए भी आपको एक शॉर्ट डायग्राम बनवाते हैं, इससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम हटाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ डायग्राम दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस, ऑल्सो द बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस और योर स्कूल एग्जाम क्वेश्चंस। तो देखो, नेचुरल नंबर वो नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अगर अच्छा ये पूरा एक फैमिली हो गया, चलिए
अगर इसमें ज़ीरो शामिल कर दें तो ये होल नंबर की फैमिली बन जाएगी, 1 2 3, ठीक है। और अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दें तो इंटीजर्स की फैमिली बन जाएगी, जैसे -3 है, -2, -1, 0 1 2 3, ये इंटीजर्स हो गए, ठीक। और अगर इंटीजर्स को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने लगो तो वो रेशनल नंबर हो गए, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख रहे हो, ठीक है। तो इसमें तो ये सारे नंबर्स आएंगे, तो ये हो गया कौन, रैशनल नंबर हो गए भाई। तो रैशनल नंबर का जो डिपार्टमेंट है वो अपना अलग है, और इधर फैमिली एक इरेशनल नंबर की भी है, यहाँ इरेशनल नंबर की भी एक फैमिली है भाई, और इन सब के मुखिया कौन है, रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर इन सब के अंदर में आता है, और रियल नंबर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चंस बनते हैं, पूछा जाता है कि क्या सभी होल नंबर्स इंटीजर हैं, पूछा जाएगा इज़ एवरी होल नंबर अ इंटीजर। तो देखिए इंटीजर के अंदर में सारे होल नंबर तो आ रहे हैं, यस। उल्टा पूछा जा सकता है इज़ एवरी इंटीजर अ होल नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आप इस डायग्राम की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई, ये बात हो गई नंबर सिस्टम के बारे में, रियल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं या इरेशनल नंबर हैं या रैशनल नंबर हैं, इनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर दो तरह के आपको रैशनल नंबर दिए हैं तो उनके बीच में और ज़्यादा आप रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। तो इसको हम अभी रब करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर दो रैशनल नंबर्स हमको दिए हों तो उनके बीच में हम और ज़्यादा रैशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि आप 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट कराइए, 5 रेशनल नंबर। वी हैव टू फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है 1 एंड 2 ही हो, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। सपोज ऐसा लिखा है 1/3 एंड 2/3, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको दो रेशनल नंबर दिए जाएंगे और उनके बीच में जितने भी रेशनल नंबर पूछे जा रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। बेस्ट मेथड जो है वो इसका है कि आप एक डिफरेंस निकालें डी। कैसे निकालेंगे डिफरेंस? तो ये जो डिफरेंस डी है इसको आप ऐसे लिखें y-x/(n+1), ठीक है, इसकी मदद से हम डी निकालेंगे। कैसे? देखिए ये दो नंबर्स हैं आपके पास, 1/3 है और 2/3 है। पहले देखिए इनमें से बड़ा कौन है, 1/3 बड़ा है या 2/3 बड़ा है? ऑब्वियसली 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3। तो जो बड़ा नंबर है दैट विल बी वाई, ये वाई हो गया। जो छोटा नंबर है दैट विल बी एक्स। और जितने नंबर पूछे हैं आपसे, कितने नंबर पूछे हैं, 5 नंबर पूछे ना, दैट इज एन। Put all these values in this formula and you will get the value of d. तो d की वैल्यू निकालिए फटाफट से। कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू है 2/3 माइनस x की वैल्यू है 1/3 ओवर n की वैल्यू है 5+1। सॉल्व आप इसको करेंगे तो 2-1 इट मीन्स 1/3/6, ठीक है। अच्छा इसको मैं अभी रेशनल में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड इट विल गेट मल्टीप्लाइड लाइक दिस, सो इट विल बिकम 1/3 × 6, इट मीन्स 1/18। ये 1/18 हो गया। अब आपको ये डिफरेंस जो है इस फर्स्ट नंबर से जोड़ते चलना है। जैसे यहाँ 1/3 लिखा हुआ है तो आप 1/3 में 1/18 जोड़िए, कितना आ रहा है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सपोज़ यदि आप यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम 7/18 एंड नाउ 8/18, 9/18,
10/18, 11/18, 12/18. तो दीज आर द फाइव रैशनल नंबर्स। अब आप कहेंगे सर ये एकदम से कैसे लिख दिया आपने, तो देखो 7/18 आया था ना, 7/18 आया था, इसमें आपने फिर से 1/18 ऐड कर दिया, कितना आया 8/18। अगला नंबर चाहिए फिर 1/18 ऐड कर दो, कितना आया 9/18। फिर अगला नंबर चाहिए फिर 1/18 ऐड कर दो, कितना आया 10/18। फिर अगला नंबर चाहिए फिर 1/18 ऐड कर दो, इसमें कितना आया 11/18। 1/18 आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। यानी कि जो भी नंबर्स आपको निकालने हैं दैट विल बी x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, कहाँ तक लिखेंगे ये, जितने नंबर्स आपसे पूछे गए थे, एक्स प्लस 5d तक। तो यही वो पांच रेशनल नंबर होंगे, इनकी मदद से आप इनको निकाल सकते हैं, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d। ये जो वैल्यू है ये है एक्स प्लस डी की, ये वैल्यू है एक्स प्लस 2d, ये है एक्स प्लस 3d, ये है एक्स प्लस 4d, ये है एक्स प्लस 5d। अच्छा, इनको जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उनको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे सिंप्लीफाई हो गया, इट विल बिकम 2/3, और ये हो जाएगा 5/9, ये कितना हो सकता है 3/6, 1/2, इट विल बिकम 4/9। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर अब आपको मिल गए जी। 1/3 इधर है, 7/18, 4/9, 1/2, 5/9, 11/18 एंड 2/3 इज़ द नंबर। सो दीज आर द फाइव रेशनल नंबर्स दैट यू हैव टू फाइंड। तो इस तरह से आप रेशनल नंबर्स, किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में और रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट मेथड यू कैन चूज। और भी मेथड है, देखो ऐसा नहीं यही मेथड है, और भी मेथड है। आप चाहें तो और मेथड्स भी हैं कि आप पहले इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालिए, करना क्या है इसको और इसको ऐड करो और इसका हाफ कर दो, तो एक नंबर यहाँ आ जाएगा, जो नंबर आया उसको और इसको फिर से ऐड करो फिर हाफ कर दो, एक और नंबर यहाँ आ जाएगा, फिर इसको और इसको ऐड करो फिर हाफ कर दो। दैट विल बिकम टिपिकल, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है सॉल्व करने के लिए। एंड दिस मेथड जो मैंने आपको बताया है, इट इज़ ईजी टू सॉल्व एंड यू कैन फाइंड आउट द नंबर्स दैट आर आस्क्ड। कितने भी जितने जहाँ आपसे पूछें आप उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो ये एक टॉपिक था, इसको नोट कर लें। अब इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न क्विकली हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेसिमल एक्सप्रेशन टू अ रैशनल नंबर। यानी कि कोई एक डेसिमल एक्सप्रेशन आपको, यानी कि डेसिमल नंबर दिया हुआ है, आइदर इट कैन बी टर्मिनेटिंग और इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अगर स्पेशली नॉन टर्मिनेटिंग है तो, क्योंकि टर्मिनेटिंग तो आपने पढ़ा है कि सर अगर 0.25 है इसको हमको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है। ऑब्वियस है कि 25/100 आप करेंगे, यानी कि जितने डेसिमल के बाद प्लेसेस हैं उतने वन के बाद आपने ज़ीरो रखे, दैट विल बिकम अ रैशनल नंबर। यू कैन नाउ इट सिंप्लीफाई इट, इट विल बिकम 25/1/4। यानी कि 25 से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट एज 1/4। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, सपोज अ नंबर इज 0.333 एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग अहेड, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0.3 बार, ओके। तो जिस नंबर पर बार लगा हुआ है, नंबर पर या ग्रुप ऑफ नंबर्स पर अगर बार लगा हुआ है, इट मींस दैट नंबर इज़ रिपीटिंग, ठीक। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 0.125 बार, इट मींस 1, 2 इज़ नॉट रिपीटिंग, ओनली 5 इज़ रिपीटिंग, इट इज़ लाइक दिस 1, 2, 5, 5, 5 .. 5 जो है ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहे इसमें। यह इस तरह से लिखा है 0.37 बार, इट मींस 0.37 37 37 37 इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो अगर रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की फॉर्म में है, उसको आप प्रॉपर p/q वाली फॉर्म में कैसे लेकर के आओगे। तो इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले 0.3 बार लिखा हुआ है, तो इसमें आपको करना ये होता है कि लेट दिस बी x 0.3 एंड 3 3, सपोज लाइक दिस, मैं यहाँ बार लगा दे रहा हूँ, या कोई दिक्कत भी नहीं, हटा दो यहाँ से, नो प्रॉब्लम।
अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, और यहाँ इस केस में देखोगे आप तो 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं पहले आप उसको देखो कि उनकी काउंट कितनी है, ये एक ही डिजिट है तो आपको सिर्फ एक डिजिट ही आगे ले करके आनी है, ठीक है। ये जो डेसिमल है वन प्लेस आपको आगे ले जाना है, और वो कब आता है जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल प्लेस आगे खिसक जाएगा। देखा है ना आपने 0.25 लिखा हुआ है, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ रिजल्ट क्या आएगा 2.5, ये जो डेसिमल प्लेस था ये वन प्लेस आगे खिसक गया, बिल्कुल इसी तरह से। तो इट विल बिकम 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। दैट वॉज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, क्या मिलने वाला है आपको? तो देखो ये रह गया 9x और इधर कितना रह गया 3 रह जाएगा, ये 0.33 वाला पार्ट तो हट ही जाएगा बिल्कुल, यहाँ रह गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 is 3, x is 1/3, दैट इज़ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या है 1/3 है। इसी तरह से मुझे इसे सॉल्व करना होता, कैसे करते, x मानता मैं 0.37 बार, ये है क्या 0.37 37 37, इस तरह से है। अब यहाँ आप देखो दो प्लेसेस रिपीट कर रहे हैं ना बार बार, तो आपको दो प्लेसेस आगे इस डेसिमल को ले जाना है, कैसे लेके जाओगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम 37 37 37, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन एंड यू विल गेट 99x इज इक्वल टू व्हाट 37x, माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा 37/99, इट इज़ द आंसर। तो इस तरह से आप जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं उनको आप रेशनल नंबर यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके जस्ट बाद है रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, यानी कि तीन टॉपिक हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है, एक रेशनलाइजेशन और एक छोटा सा। चलो इसको हटाते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया, दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना भी सीख गए। तो अब सीखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर जो होते हैं इनको नंबर लाइन पर हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपको रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर को। सपोज़ ये नंबर लाइन है, यहाँ सेंटर में 0 है, दिस इज़ +1 +2 +3 +4 +5, और इस साइड में रहने वाले हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, एंड सो ऑन, तो चलाई गई आगे। तो अब आपको इरेशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे सपोज मुझे √2 को ही रिप्रेजेंट करना है, आपसे कहा जाएगा रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो देखिए सबसे पहले तो एक और चीज़ है इसमें कि आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए क्या होता है, नहीं पता है तो क्विकली बता देता हूँ मैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल के साइड वाले जो सामने वाली साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, सपोज जैसे ट्राइंगल ABC, जहाँ राइट एंगल बना है यानी कि जहाँ 90 डिग्री एंगल बना है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, जिसके सपोर्ट पर ये रखा है दैट इज़ बेस एंड दिस इज़ द हाइट, और यू कैन से इट एज परपेंडिकुलर, ठीक। और इसमें पाइथागोरस महोदय ने एक रिलेशन दिया था कि यदि आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेशन था। अब देखिए √2 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, कैसे करेंगे? तो सपोज फ्रॉम द 0 वी कवर्ड 1 यूनिट, हम एक यूनिट चले इधर, ठीक है, ये एक यूनिट हो गया, तो आप यहाँ तक आ गए 1 यूनिट, ठीक। सिमिलरली अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखाऊं आपको, 1 यूनिट ही आप, ये तो एक्स एक्सिस है, 1 यूनिट ही आप वाई एक्सिस की तरफ भी चले, ये भी 1 यूनिट है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो देखो ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है,
तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा? एक्चुअली आप देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज हुई ना। और हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो। तो देखो परपेंडिकुलर भी वन यूनिट है, बेस भी वन यूनिट है, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इट मीन्स वन प्लस वन कितना हो गया? टू। और यदि आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यू विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई? दैट इज़ रूट टू। तो ये जो हाइपोटेन्यूज आपको दिख रहा है इट इज़ रूट टू, यही लेंथ है रूट टू की, ये रूट टू लेंथ है। अब रूट टू आएगा कहाँ पर? तो आप क्या करें, कंपास की मदद से इसको और इसको मेजर करें और एक आर्क लगाएं कहाँ ये इसको कट करता है आगे। तो अब आप आर्क लगाओगे तो सपोज़ इट विल इंटरसेक्ट हियर, 1.414 वैल्यू होता है वैसे रूट टू का, तो 1.414 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कट करेगा 1.5 से जस्ट पहले ही, ठीक है। तो नंबर लाइन पर यदि आपको रूट टू को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज बनाना है, कंपास में फिल करना है इस डिस्टेंस को और एक आर्क लगा देना है, जहाँ नंबर लाइन इंटरसेक्ट होगी उधर ही है रूट टू, ठीक। अगर रूट थ्री तक जाना है तो क्या करेंगे? अगेन यू विल टेक वन यूनिट डिस्टेंस, एक यूनिट डिस्टेंस लो आप। एक यूनिट डिस्टेंस लेने के बाद ये देखो 90 डिग्री बनेगा यहाँ भी, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे फिर से यह हाइपोटेन्यूज बन गया। और फिर से आप हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करो तो देखो बेस तो है रूट टू, यानी कि रूट टू का स्क्वायर, और ये वन यूनिट है ही, वन यूनिट का स्क्वायर, तो इट विल बिकम टू प्लस वन यानी कि थ्री, थ्री हो गया ना। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई? रूट थ्री। तो ये जो लेंथ है इट विल बी वॉट? रूट थ्री। अब आपको इसको नंबर लाइन पर अगर मार्क करना है तो आप क्या करोगे? कंपास की मदद से इस डिस्टेंस को मेजर करोगे और यहाँ से एक आर्क लगा दोगे यहाँ कहीं, तो ये रूट थ्री की जो वैल्यू होती है ना 1.732 एंड सो ऑन, रूट टू की जो वैल्यू है 1.414 एंड सो ऑन, तो ये 1.5 के जस्ट आगे कहीं मार्क हो जाएगा। देखो यहाँ यहाँ रूट थ्री आएगा, यहाँ रूट टू आएगा। और आपको और आगे जाना है, रूट फाइव पर जाना है तो और आगे बढ़ जाएगी, इधर से और आगे बढ़ जाएगी, इस तरह से आप नंबर लाइन और बन सकती है, ठीक है। यहाँ से और आप और आगे बढ़ाओगे ना, जैसे वन यूनिट बढ़ाया आपने, तो वन यूनिट बढ़ाओगे तो क्या होगा? फिर से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? वन यूनिट, और बेस कितना है? रूट थ्री। कितना हो गया ये? 1 + 3 यानी कि 4। तो यहाँ वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई 2, तो ये तो वैल्यू आ गई 2। अब फिर एक और यूनिट आप आगे चलो, आप एक और यूनिट आगे चलोगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 2, तो ये हो गया 1 + 4 यानी कि 5, और हाइपोटेन्यूज कितना आया? रूट 5। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई? ये रूट 5 हो गई। फिर से आप कंपास से डिस्टेंस को भरिए और आर्क लगा दीजिए, तो आर्क लगाओगे तो 2 से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, यहाँ यहाँ कहीं होगा रूट 5। और आगे जाना है ऐसे आप आगे जाते जाइए, रूट 7 पर भी पहुँच जाएंगे, और जहाँ वैल्यू आपको जानी हो तो वैल्यू आपको मिलती जाएंगी। इस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक तरीका क्या है कि हम एक यूनिट इधर चले वन यूनिट, और वन यूनिट ही हम ऊपर चले, और यहाँ हमने एक राइट ट्राइंगल बना लिया और हाइपोटेन्यूज को निकाल लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। जैसे मान लो ये रूट टू आया, जितनी ये डिस्टेंस आई इसको कंपास में फिल किया और आर्क लगा दिया, जहाँ भी नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वहीं होगा वो इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आई होप आपके समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है कमेंट करके बताइए, अगली बार इस चीज़ को और देखा जाएगा कि भाई कहाँ दिक्कत रहेगी। अब ये चीज़ तो हो गई, इसके बाद अब हम चलने वाले हैं रियल नंबर की तरफ, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब ये चार टॉपिक हैं, सबसे पहला है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। कोई भी रियल नंबर दे रखा है आपको, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? इरेशनल वाला रिप्रेजेंट आपने कर ही लिया था, और बस इतना हो सकता है इसमें कि अब डेसिमल जो है उनके प्लेसेस ज़्यादा हैं, सपोज़ ये इस तरह से लिखा हुआ है 4.,
367, इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये कोई एक रियल नंबर दिया हुआ है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ लिखा आपने 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5 लिख लिया। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 4 से बड़ा है, ठीक है। 4 से कैसा है? बड़ा। 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ये जो नंबर है ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इसका मतलब कि ये नंबर कहीं 4 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है। अब इस 4 और 5 वाले पार्ट को हमने यहाँ ले लिया, यहाँ लिखा हमने 4 और यहाँ लिखा हमने 5। सपोज़ यहाँ और जूम हम करके इसके 10 पार्ट्स करें तो ये हो गया 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये हो गया 5, ठीक है। ये बीच में 10 स्पेसेस हो गए। अब ये जो है 4.3, तो देखो ये रहा 4.3 और वैल्यू है 4.367, तो ये जो 367 वैल्यू है ये कहीं 4.3 और 4.4 के बीच में आएगी, ठीक। इसको और हम जूम करते हैं, जूम करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी ये इतने सारे अलग अलग थे, इसको हमने जूम कर दिया, जूम। अब इसको फिर से हम जूम कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे आप 4.3 और यहाँ लिखेंगे 4.4, तो यहाँ आ गया 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 35, 36, 37, 38 और 39 और 4.4। अब देखिए 367 है, तो ये देखो 36 और 37 के बीच में कहीं 36 और 7 आएगा। अगेन इसको जूम करो आप, तो यहाँ आपने लिखा 4.36 और यहाँ लिखा आपने 4.37, तो ये नंबर आप लिखते जाइए 4.361, 4.362, 4.363, 364, 365, 367, 368, 369, बस इतना हो गया। तो ये रहा 4.367, ये रहा 4.367 जिसको आपको रिप्रेजेंट करना था, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो रियल नंबर जब भी हमें रिप्रेजेंट करना हो तो जूम कर करके दिखाना पड़ेगा आपको कि ये नंबर पहले किस रेंज में आ रहा था, 4 और 5। तो 4 और 5 को आपने एक्सपेंड कर दिया 10 पार्ट्स में, उसके बाद ये 4.3 और 4.4 के बीच में आ रहा है 367 वाला पार्ट, फिर इसको जूम कर दिया। फिर ये वाला जो पार्ट है 4.367 वाला जो पार्ट, अगला जो डेसिमल 7 है वो 36 और 37 के बीच में आएगा, उसको फिर से आपने जूम कर दिया। इस तरह से यहाँ ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इंडिकेटिंग 4.367। इसी के साथ इरेशनल नंबर जो है इनको भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे 0.3 बार लिखा हुआ है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ मान लो ये 0 है और ये 1 है, तो 0.3 बार का मतलब क्या है? 0.3333 एंड सो ऑन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 लेवल तक दिखाइए, यानी कि 4 स्टेजेस तक जाइए, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपने पार्ट कर दिए, सपोज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड सो ऑन अप टू 1 तक। तो ये जो 0.3 है ये 0 और 1 के बीच में आएगा, ये तो ठीक है, और कन कन के बीच में आएगा। तो यहाँ से आपने लिया ये 0.3, तो ये यहाँ दिख गया आपको। उसके बाद है 3.3, तो ये जो 3.3 है ये 0.3 और 0.4 के बीच में आएगा, इसको जूम करिए। अब आप यहाँ लिखेंगे 0.3, 0.4, यहाँ से आ जाएगा 0.31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एंड सो ऑन। अब फिर से 3 है, यानी कि 3.3.3 है, तो ये जो 3.3.3 है 0.33 और 34 के बीच में आएगा, तो फिर से आप इसको जूम करिए। और जूम करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.333 और 0.334, 0.33 और 34 के बीच में, सॉरी।
और ज़्यादा इसमें जूमिंग चलती जाए 0.331, 332, 333, 334, 335 एंड सो वन अप टू यहाँ तक, तो ये वैल्यू होगी 0.333 वाली, इसी को आप बस रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह से हम नंबर सिस्टम में रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर का मतलब है कि जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है इनके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनका क्या हिसाब किताब रहने वाला है। तो देखो, अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनको एक नंबर आपने रैशनल लिया है और एक नंबर आपने इरेशनल लिया है, एक नंबर रैशनल लिया है, एक नंबर इरेशनल लिया है। मान लो रैशनल नंबर एक्स है और इरेशनल नंबर वाई है, रूट वाई कर देता हूँ चलो आसानी के लिए। तो क्या ध्यान रखने वाली बात है, चाहे आप ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। यानी कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर विल गिव यू इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर विल गिव यू इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर विल गिव यू इरेशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर विल गिव यू इरेशनल नंबर। ठीक है, आउटपुट जो है रैशनल नंबर आने वाला है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज आपने लिखा 2+√3, तो ये 2 रैशनल है, √3 इरेशनल है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जो आउटपुट आया ये रैशनल कहलाएगा। जैसे 2 में से आपने माइनस कर दिया √3 को तो ये भी इरेशनल है, 2 में मल्टीप्लाई कर दिया √3 को तो भी ये इरेशनल है, और 2 में डिवाइड कर दिया √3 को तो ये भी इरेशनल नंबर है। ये सभी कैसे हैं, इरेशनल हैं। कब के बात बता रहा हूँ, जब एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो। बट ये ध्यान रखना, बट इफ़ बोथ नंबर्स आर इरेशनल, ये पहला नंबर भी इरेशनल और दूसरा नंबर भी इरेशनल है, तो इस केस में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रिजल्ट इरेशनल आए। इट मे और मे नॉट बी, इट मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली। अब इसके जस्ट बाद हम कवर करने वाले हैं रैशनलाइजेशन क्या होता है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, व्हाट इज रैशनलाइजेशन। तो देखो, जब भी हम डिनोमिनेटर में मौजूद रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को हटाते हैं, क्या करने जा रहे हैं, जैसे सपोज यहाँ लिखा हुआ है 2+√3-1, तो ये जो √3-1 है ये एक रैशनल नंबर है या नीचे की तरफ। तो अगर हम डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करें, डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें, तो इसी को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, इसी को रैशनलाइजेशन नंबर कहा जाता है। When we remove the irrational number and convert it into a rational, irrational to rational, then the process is known as rationalization. कैसे कैसे करेंगे इसको, तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या आप इरेशनल की कैटेगरी में आप अगर ऐसे लिखें √a+√b और √a-√b, तो ये होता है a माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ 2/√3-1 लिखा है ना, तो आपके लिए ये a का काम कर रहा है और ये b का, यानी कि एक तरह से a माइनस बी मौजूद है यहाँ पहले से, और आपको फॉर्म बनानी है a+b into a-b की। इनमें से कोई एक फॉर्म बन रही होगी, या तो a प्लस बी वाली बन रही होगी या a माइनस बी वाली बन रही होगी। तो यहाँ देखो a माइनस बी वाली बन रही है, a माइनस बी बनानी कौन सी है आपको, ये पूरी वाली। किस चीज़ की कमी है, a माइनस बी की कमी है, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी, यानी कि √3+1 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और √3+1 का मल्टीप्लाई नीचे भी, दोनों तरफ। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये तो हो गया 2 इंटू √3+1,
और ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो ये किसका काम करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आगे सॉल्व आप इसको करोगे तो ये कितना हो गया, रूट थ्री प्लस वन ओवर थ्री माइनस वन, यानी कि टू रूट थ्री प्लस वन, और यहाँ रह गया टू, टू से टू कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया रूट थ्री प्लस वन, डिनोमिनेटर में वन है। तो आपने डिनोमिनेटर से इरेशनल पार्ट को रिमूव कर दिया। जब भी हम डिनोमिनेटर से इरेशनल पार्ट को मूव करते हैं और उसको रेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज रेशनलाइजेशन, उसी को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। इसकी जो क्वेश्चन सीरीज है वो बाद में आएगी, दैट इज़ द थियोरेटिकल कंसेप्ट इंक्लूडिंग फ्यू एग्जांपल्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप क्लास एट्थ में सेवन्थ में पढ़ चुके हैं, लेट मी रिवाइज यू वंस अगेन। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में यदि कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा है ए टू द पावर बी, वेयर ए इज नोन एज द बेस एंड बी इज द एक्सपोनेंट, ए बेस है बी एक्सपोनेंट है, ठीक। तो यदि सेम बेस है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेम बेस, और एक तरफ लिख रहा हूँ डिफरेंट बेस, या सेम एक्सपोनेंट कर दे रहा हूँ, सेम एक्सपोनेंट, और यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्यू अदर लॉज। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो अगर बेस सेम हो, सपोज एक बेस है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, बेस सेम है, जैसे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इस तरह से, तो यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 टू द पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 टू द पावर 5। अगर बेस सेम है, पावर अलग है लेकिन डिवीजन हो रहा है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है, एक ही बात है, तो यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जैसे यहाँ लिखा होता 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, ऐसे भी लिखा हो सकता था ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 3 यानी 2 टू द पावर 2। अब अगर एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस अलग अलग हो गए, जैसे ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, इस केस में क्या होता है, बेस का मल्टीप्लाई होता है ए इंटू बी, ये बेस का मल्टीप्लाई होता है, पावर ऊपर लग जाती है। जैसे एग्जांपल 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 टू द पावर 3, इट मीन्स 6 टू द पावर 3। सिमिलरली अगर डिवीजन हो रहा हो तो भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी टू दी पावर एम, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था ए टू दी पावर एम अपॉन बी टू दी पावर एम, और इसको आप ऐसे लिख सकते थे ए बाई बी टू दी पावर एम, ठीक है। अच्छा, कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर है, उस पर यदि आप ज़ीरो पावर लगाते हैं तो उसका रिजल्ट वन आता है, एक रूल ये भी है। और कुछ रूल्स ये हैं कि यदि पहले से कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसके ऊपर आप कोई एक और एक्सपोनेंट लगा दो तो उनका रिजल्ट होता है कि उनकी पावर्स का प्रोडक्ट हो जाता है, जैसे 2 टू द पावर 3, 2 द पावर 3 लिखा हुआ है, तो इस केस में 2 टू द पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा, इट मीन्स 2 टू द पावर 9। एक रूल है कि यदि आप किसी भी एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का जो यानी कि एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि इट विल बिकम ए टू द पावर माइनस एन। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऐसे भी लिखा आ सकता है ए टू द पावर 1 बाई क्यू टू द पावर पी, तो ये आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें भी, यानी कि ए टू द पावर पी बाई क्यू, ये क्यू है, थोड़ा दोबारा लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपने पढ़े होंगे, ठीक। तो ये हो गए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इनके भी क्वेश्चंस आपके लिए मौजूद हैं उसमें। और इसके अलावा कोई भी पार्ट इसमें हमने नहीं छोड़ा है, वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स फॉर यू इन दिस चैप्टर।